আরে হাতটাকে সরা, হাতটাকে সরা। কি হবে? কে বলেছে তোকে নোংরা লাগছে? কে বলেছে তোকে নোংরা লাগছে? নোংরা লাগে নি চৈতন? This is Pakmara. What is Pakmara? What is the meaning of Pakmara? What is the actual meaning of Pakmara? Here is Pakmara and Uday Pakmara. Hey Pakmara, camera ko face karo Pakmara. Two Pakmara. दो पंख मारा को देखिए आप लोग। इधर दो पंख मारा है। पंख मारे, अरे मुखटा तो अंतत देखा, मुखटा देखा चीज ना। ওদের ফুর্তি করছে। আও দেখাবি। ও আগে থাকতেই সারেন্ডার করে দিয়েছে। পাক মারতে যাচ্ছে। হেয়ার ইজ আ পাক মারা, প্লিজ। না না ঠিক করতে হবে না, একদম ফাইন আছে, একদম অল ফাইন। উড়ি, বাপ রে বাপ, সাংঘাতিক হয়েছে বাবা সত্যি। हाय गाइस, ये जो सिचुएशन है ये टोटल लॉकडाउन सिचुएशन है। आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना के लिए अभी देश में जो है वो लॉकडाउन चल रहा है। आप लोगों को पता है कि 23 मार्च से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है एंड ये चलेगा आपका 15 अप्रैल तक। सो अभी फ़िलहाल हम सब लोग घर में बंद है। सो मुझे लगा कि इस टाइम का एक ब्लॉग मुझे बनाना चाहिए। आई डोंट नो, मेरा बैकग्राउंड जो है ये मेरा फेवरेट है एंड ये जो फ्लावर वाला जो पेड़ है ना, ये मैं खुद अपने हाथों से इधर से लगाई थी एंड अभी ये पूरा बड़ा हो गया है। आई लव दिस फ्लावर। या एंड मुझे लगा घर में बैठे बैठे थोड़ा बोर हो रही थी एंड मुझे लगा कि चलो एक ब्लॉग ही बना लेते हैं एंड मुझे लगता है कि इधर बहुत ज़्यादा मस्ती होने वाला है। सो कीप ऑन वॉचिंग। गिर गई थी। कहाँ गिर गई थी रे तू? दिखा 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 मुझे। देखो मैं गिर गई थी। और क्या करते करते गिरी थी? या इधर डेजी है, आप लोगों को दिखा दूं मैं। ये है हमारा डेजी, ये है लेब्राडॉग एंड जब आई थी ये बहुत बहुत ही छोटी थी एंड अभी थोड़ा बढ़ गई है एंड अभी मतलब एज जो है ना, ठीक है, अभी एज जो है इसका 3 मंथ्स है, अप्रोक्स 3 मंथ्स है एंड आप लोगों को पता है अगर लेब्राडॉग आप लोग मतलब जानते हैं तो लेब्राडॉग थोड़ा
थोड़ा नहीं बहुत ही बड़ा एक डॉग है एंड पूरा ब्लैक है ये। एंड इसका और एक क्वालिटी है वाइट कलर का, वो भी बहुत ही अच्छा है। एंड ये लोग ना लैब्राडोर आई थिंक मुझे जैसा लगता है कि बहुत ही क्यूट होती है। या हाय डेजी, डेजी 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 इसको बहुत ही परेशान करते हैं हम लोग उस टाइप का परेशान नहीं बट या बहुत फान करती हूँ हम लोग, मतलब सिर्फ मैं अकेली नहीं बहुत ही फान होता है इसके साथ घर में। ये फीमेल है बाय द वे, या जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। या इसको पता नहीं था कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ सो मुझे बोली कि अभी नहीं, मैं थोड़ा सांस धस के आ रही हूँ फिर मेरा जो वीडियो है थोड़ा चेंज करके आई हो। चलो ठीक है, व्लॉग है तो वायरल होने वाला है सो चलो ठीक है, थोड़ा सजना धजना चाहिए। देखा देखा साधना की कोई चीज, देखा ये अभी साधना कर रही है, साधना सरगम तो नहीं है ना चलो लॉकडाउन है तो थोड़ा मस्ती मजाक तो होना चाहिए क्योंकि बिना मस्ती के ये 21 दिन तक क्योंकि बिना मस्ती के ये 21 दिन तक मतलब गुजरना गुजर पाना ये घर में पॉसिबल नहीं है। फूटो होएगा छे या ये मेरी जो ट्रैक है ना ये इसमें देखो होल हो मतलब छेद आ गया एक, या बहुत प्यारी था ये, मेरी फेवरेट था बट क्या करें कोई भी टिकाऊ नहीं है। আমি প্রতিদিন বসি, ইসকো হাইট ফোবিয়া হ্যায় গাইস, ইসকো হাইট ফোবিয়া হ্যায়, अगर कुछ भी करना हो तो इसको हाइट में ले जाके थोड़ा छोड़ देना ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया, हो जाएगा ऑल डन इसको थोड़ा हाइट फोबिया है सो ये लाइन को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। आप लोगों को आप लोग जानना चाहेंगे ए टीटा ओई दिखे जा, ओई दिखे जा, इसको इतना हाइट फोबिया है आप लोगों को पता नहीं है कि मेरे अमर दिब्बी मींस मेरी कसम, चलो हिंदी में ट्रांसलेट भी मैं कर दी हाई फोबिया अच्छा इसको हाइट फोबिया है फिर भी ये हाइट में ही चढ़ रही है देखो नाम तो बोलो ना मतलब इसका मतलब है उठ जाएंगे फिर उतर नहीं पाएंगे कभी उधर ही रह जाएंगे पता। अब डेजी को देखो ये पत्ता वो सूखा हुआ पत्ता जो है मुंह में एकदम भर के ले ली एंड शैतान का नाम लो तो शैतान हाजिर। ये देखो इसका हाइट फोबिया है और देखो ऊपर उठ चढ़ गई फिर उतर नहीं पाएगी ये चढ़ तो गई पर उतर नहीं पाएगी तो अपने जीजा जी को बोल रही कि मुझे थोड़ा उत्तर दीजिए अभी आप लोग जस्ट देखते रहो। नहीं ये इसको अभी लग रहा है ना कि चूड़ल है, ओए चूड़ल
चुड़ैल चुड़ैल तीताई ना ना तीताई कोटा छ आगे आमा के तीना बा तू ही नाम लिया बा कोटा जीजू हम स्लिप के जाती जीजू और एक शैतान आ गया ये देखो और एक शैतान जीजू ना भाई हाँ शैतान का पास आ रहा है वो देखो और एक शैतान है ये तीसरा वाला शैतान पास हो क्यों ने মিষ্টি ওখান থেকে এখানে আয় এখানে এসো বস তুই এখানে আয় ভিডিও প্রবলেম নেই চটিটা খুলেও তুই তো আরে খাঁদা Hana means duffer, duffer. जा, गांधी जी का तृतीय बंदर. Third बंदरी. দিদি কি হচ্ছে রে কি ওটা বাই চান্স ইয়ে হয়ে গেলে বুঝতে পারছিস কি হবে তুই এদিকে আয় কায়দা গুলো মারিস না কায়দা মারিস না এদিকে বন্ধ করবো बिहाइंड द कैमरा इसको तो देखने हो तो मतलब देखने लायक था इसका एक्सप्रेशन আমাকে ধরে নে 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 আমাকে ধ
और ये शैतान को देखो, साला चापड़ देने वाला, चापड़ दो उल्टा हाथ से। তোর বোতল কোথায়? বোতলটা উপর থেকে নামিয়েছিস? हाय माँ, हाय कर दो, हाय कर दो थोड़ा, हाय। हाँ आमी बोलती हूँ जे वो एकाने तुम्हें बोलती यार की काम से बोलतो। हाँ बाबा बुला ना को बोलते हैं। ये की आपका भी बोलते हैं जब इतना। हाँ ये सुने ना को बोलते। अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में तुमको कैसा लग रहा है? खराब। खराब? खराब मींस कैसा खराब? এবার আমি করছি, আমারটা ভিডিও করো, আমারটা ভিডিও কর রূপাই। না 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 দেখো সবাই দেখাও, চোট লাগি ভাই, দেখাও কহাঁ পে চোট লাগি ভাই, কহাঁ পে চোট লাগি দেখাও ভাই, একটা ধরো ভাই, জরা দিখানা ভাই, ভাই আপকো এক লড়কি সে চোট লাগি ভাই, কহাঁ পে অঙ্গুঠি মে, দেখাও দেখাও অঙ্গুঠি মে চোট লাগি, উসকি উঙ্গলি মে ইতনা দম হ্যায় ভাই, আর অঙ্গুঠি মে ভাই, আপ আপ নেই হ্যায় ভাই, ভাই আপ শর্মিন্দা ফিল নেই কর রে ভাই, আরে আপ আ যাও না ভাই, প্লিজ ভাই আপ আ যাও না, আপ এক লেডিজ নে আপকা হাত তোড় দিয়া, ইয়ার এ দেখো আবি ভি পোজ মে আপ ডর কে, দেখো চোট লাগি ভাই, কে চোট লাগ রে, মুখ দেখো, শকল দেখো কেসে বনা রে, ও ভাই আপনে তো ভাই ইয়ার ক্যা বাতায়া আপ, চলো ইয়ে হ্যাঁ উইনার। ছোড় দিয়া, তোড় নেই দিয়া, এবার চলো আমি বাবিয়া শোনাই, এ শালা মর্দের সঙ্গে অরাত, না না তুমি তো এক্সট্রাঅর্ডিনারি হো না, চলো চলো রেডি, এ বোরাম কই
এই চালানো আছে ইমা, এই চালানো তো, হ্যাঁ চালো না, না চালিয়ে দাও, হচ্ছে হচ্ছে না, হচ্ছে না, হচ্ছে হচ্ছে, ছেলেদের সঙ্গে তবু তো লোড নাম ছেলেদের সঙ্গে লোড নাম তো থাক মা, কালকে আমার মতো অবস্থা হবে, কালকে আমার মতো অবস্থা হবে, চল মা টু ফিল চট কই ও মিষ্টু কে বলছিস তুই পায়রে কে এই এবার একটা কম দাঁড়া, দেখা যাচ্ছে না, ফোকাস হো। হাই Yeah.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
पता ही नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं पता। इनको ना डर है कोरोना वायरस का, ना कुछ। मेरे पैर में कैसे मुझे लग रहा है इसको भी थोड़ा वायरल कर देते हैं। मेरी ब्लॉग का एंडिंग है। एक्चुअली ब्लॉग तो स्टार्ट कर लेती हूँ बट उसको एंड करना भूल जाती हूँ बाय द वे एज यूजुअल। बट गाइज मुझे लगा कि आप लोग देखेंगे कि ये जो टी शर्ट है वो पहले टी शर्ट से थोड़ा अलग है, क्योंकि जिम वाला जो वर्कआउट का जो वीडियो मैं इसमें डाली ब्लॉग में वो पिछले दिन का था, एंड एज यूजुअल ब्लॉग को एंड करना भूल गई थी। सो मुझे लगा कि आज चलो आज जिम करने के बाद टेरेस में आके थोड़ा फ्रेश एयर लेना है एंड देन ब्लॉग को एंड करेंगे। या गाइस अगर जिम आप लोग करते हैं सो जिम के बाद वर्कआउट के एंड में आप लोग अगर घर में करते हैं तो टेरेस में आइए, वो नेचर का जो फ्रेश एयर है उसको लीजिए, देखिएगा पूरा फ्रेश हो जाएंगे आप लोग। एंड या मेरा आज का भी जिम ख़त्म एंड पूरा भीग चुका है टी शर्ट, एंड मुझे लगा कि थोड़ा टेरेस में रह के फिर मैं घर में जाऊंगी एंड जाके चेंज कर लूंगी। सो गाइस या एंड हम लोग लॉकडाउन में हैं, मुझे तो लग रहा है कि 6 मंथ तक मैं लॉकडाउन में मतलब घर में बंदी हूँ। बट गाइस ये वाला मत सोचिएगा, क्योंकि सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये एकदम से सही है। सो लॉकडाउन में रहिए, खुद को सेफ रखिए, अपने परिवार को सेफ रखिए, एंड आस पड़ोस में जितना भी लोग हैं आपके जान पहचान में सभी को सेफ रहिए रखिए। या थोड़ा सा हम लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा तभी ये कोरोना वायरस जो है उसके साथ हम लोग फाइट कर पाएंगे। या गाइज सो दैट्स इट, एंड व्लॉग को एंड करते हैं। एंड हाँ, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं मेरे चैनल को सो थैंक यू सो मच। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं सो जल्दी से प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, वो रेड वाला बटन जो है उसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कीजिएगा, एंड उसके बाद एक छोटू वाला बेल आइकॉन आएगा, रिंग 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 वाला, उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ये वाला चैनल में फैशन एंड फिटनेस विद संदीपा वाला मेरे चैनल में जितना भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। एंड आप लोग सुन पाएंगे वो गाना चल रहा है मंदिर में, या अच्छा लग रहा है। या चलो लॉकडाउन में कुछ तो फायदा हुआ, नेचर का फ़ायदा हुआ, हम लोगों का भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि परिवार को हम लोग टाइम नहीं दे पाते थे, जो लोग काम करते हैं मेल एंड फीमेल बोथ के लिए ही बोल रही हूँ, परिवार को टाइम नहीं दे पाते थे हम लोग। सो कुछ तो फ़ायदा हुआ, हम लोग परिवार को अपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं, एंड नेचर भी पूरा फ्रेश लग रहा है, जितना भी पॉल्यूशन था वो एकदम से ख़त्म हो रहा है। या सो गाइज दैट्स इट, एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। Bye.